फ्रेंड्स, ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से भी कुछ महीने पहले तीन वेरिएंट लॉन्च किए गए थे। ओला S1X सीरीज के 2 किलोवाट पर हावर वाला वेरिएंट एंड 3 किलोवाट पर हावर वाला वेरिएंट, और एक वेरिएंट आया था इनका 4 किलोवाट पर हावर वाला वेरिएंट। एंड तीनों वेरिएंट में अभी हाल फिलहाल में कुछ दिक्कतें सामने देखने को मिल रही हैं। जो लोगों ने खरीद लिए हैं उन्हें भी दिक्कतें आ रही हैं, जो लोगों ने नहीं खरीदे हैं या फिर खरीदने वाले हैं वो वीडियो देख रहे हैं कि उनमें क्या क्या दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ रही हैं। तो आज ये वाला जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें आपको सारी की सारी दिक्कतें बता दूंगा कि आपको ओला S1X में, जो कि चाबी वाला वेरिएंट ओला की तरफ से आया था, काफ़ी ट्रस्टेड वेरिएंट था ओला का, एंड ये भी ओला की तरफ से बताया जा रहा था कि इस वेरिएंट में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है क्योंकि इसमें चाबी लगती है और एक्टिवा की तरह चाबी लगाओ और ले जाओ। तो फ्रेंड्स, इसमें आखिरकार क्या क्या दिक्कतें आपको देखने को मिल रही हैं, एंड ओला S1X जो नए स्कूटर्स आए हैं वो लगभग आपको 75,000 रुपए से लेके 1,11,000-12,000 तक देखने को मिल जाता है। एंड फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, देखिए इसमें क्या क्या दिक्कतें आपको देखने को मिलती हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो इसकी थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी ओला की बजट फ्रेंडली या फिर थोड़ी सी चीपेस्ट बनाई गई है, थोड़ा सा इसमें कॉस्ट कटिंग की गई है। क्योंकि आपको पता होगा जो भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स होते हैं उसका सबसे ज़्यादा खर्चा एक तो बैटरी में और दूसरा मोटर में, यही दो चीज़ें मेन होती हैं एक इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने के लिए। और आपको पता होगा ओला S1X में आपको लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलती है, एंड जो स्कूटर लिथियम आयन बैटरी से बने होते हैं उनकी कॉस्ट भी अच्छी होती है, उसके साथ ही बैटरी लाइफ भी अच्छी होती है। तो इस वजह से ओला के स्कूटर थोड़े से महंगे हैं। तो इस बार ओला ने सबसे सस्ते बजट फ्रेंडली 1,00,000 रुपए से कम में स्कूटर्स बनाए हैं, एंड इसकी थोड़ी सी क्वालिटी तो चीप है। आपको कहीं ना कहीं देखिए पैनल गैप वगैरह देखने को मिल जाएंगे, कहीं कहीं आपको मीटर में जो मीटर का कवर लगा हुआ है वो आपको निकल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको ओला S1X में देखने को मिल जाती हैं। थोड़ी सी इसकी बिल्ड क्वालिटी अगर और अच्छी होती तो ओला S1X की बॉडी बहुत ही कमाल की होती, एक लंबे समय के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते थे कि ये स्कूटर आपका चल जाएगा। अब फ्रेंड, दूसरे नंबर पे बात करते हैं सेंसर इश्यूज के बारे में। देखिए ओला के कोई भी स्कूटर सही, चाहे कितने भी महंगे हों प्रीमियम सीरीज के, चाहे बजट फ्रेंडली स्कूटर्स हों, तो फ्रेंड्स दोनों ही स्कूटर्स में आपको कहीं ना कहीं सेंसर इश्यू देखने को मिल जाता है। जैसे कि स्टैंड में जो सेंसर लगा हुआ है वो आपको दिखा देगा पार्किंग मोड का ऑप्शन, जैसे स्कूटर आपका चल रहा है, आप रोड पे चला रहे हैं और अचानक से आपका स्कूटर पार्किंग मोड में पार्क हो जाए चलते चलते, तो फिर आपका क्या ही एक्सपीरियंस होगा उस चीज़ को लेकर। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं ये इश्यूज आ जाते हैं। ब्रेक या फिर क्लच का आप कह लीजिए, ब्रेक लगाते हैं तो उसके बाद जब ब्रेक छोड़ते हैं तो पूरा ब्रेक नहीं लग पा रहा है। ओला S1X में पूरा ब्रेक आपको हाथ से ऐसे पीछे ढकेलना पड़ रहा है जिससे सेंसर सही से काम करे। तो ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे इश्यूज हैं जो कि ओला को देखने चाहिए, एंड थोड़ी सी और सर्विस बेहतर करनी चाहिए ओला को अपनी तरफ से। और भी कुछ सेंसर इश्यूज हैं, जैसे कि सिस्टम इश्यूज भी बहुत सारे लोगों के पास आ रहा है, एंड किन किन लोगों के पास आया है कॉमेंट में ज़रूर बता देना। सिस्टम इश्यू भी बहुत ही बड़ा एक केस बन चुका है ओला इलेक्ट्रिक को लेकर। तो फ्रेंड्स आपको ये सारी चीज़ें देख के चलनी है कि अगर आप ओला ले रहे हो तो आपको ये वाले इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं देखिए मोटर के बारे में। जो ओला के प्रीमियम स्कूटर्स हैं उनमें आपको जो मोटर देखने को मिलेगी वो एक बेल्ट के थ्रू चलती है, एंड ओला के जो बजट स्कूटर्स हैं जो 1,00,000 से कम में हैं, 1,00,000 के लगभग हैं, उनमें आपको हब मोटर देखने को मिलती है जो कि रिम के अंदर ही फिट होती है। एंड ओला की जो हब मोटर है उसकी IP रेटिंग IP67 रेटिंग है, एंड 3 साल की वारंटी के साथ आती है ओला की हब मोटर। एंड फ्रेंड्स मोटर काफ़ी अच्छी है, लेकिन बजट फ्रेंडली स्कूटर्स में आपको यही देखने को मिलेगी, एंड जो आपके प्रीमियम स्कूटर्स हैं उनमें आपको दूसरी मोटर देखने को मिलेगी जो कि चैन से या फिर बेल्ट से कनेक्टेड होती है। उस मोटर की लाइफ भी अच्छी होती है एंड परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है। लेकिन जो हब मोटर है इसको हम बेकार नहीं कह सकते हैं, जो बजट स्कूटर्स हैं उनके लिए ये मोटर एक बेस्ट मोटर हो सकती है। जो एथर के स्कूटर हो गए या फिर दूसरी और कंपनीज के स्कूटर हो गए, जैसे कि TVS, IQ वगैरह के अंदर आपको हब मोटर ही देखने को मिलती है, तो हब मोटर बेकार नहीं होती है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हब मोटर का भी रहता है।
तो अभी 3 साल की वारंटी के अंदर आ रही है ये मोटर ओला S1X के अंदर। अब फ्रेंड्स बात करते हैं, अगर आपके ओला स्कूटर के अंदर चलते चलते या फिर खड़े खड़े आग लग जाती है, धुआं निकलने लगता है, जैसे कि आपने कुछ केसेस देखे होंगे काफ़ी हाईलाइट हुए थे, चलते चलते बीच रोड पे ओला इलेक्ट्रिक के अंदर आग लग गई या फिर उसकी मोटर फूक गई या फिर टूट गया या फिर एक्सीडेंट हो गया आपका, तो ओला क्या इस चीज़ को क्लेम करेगा या नहीं करेगा? मैं आपको बता दूं, अगर आपके ओला स्कूटर के अंदर आग लगती है या फिर आपका एक्सीडेंट होता है या फिर कोई और इश्यूज होते हैं जैसे टूट फूट वगैरह के, तो उसमें ओला कोई भी क्लेम नहीं करेगा। इसमें आपको जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो क्लेम देगी, इंश्योरेंस कंपनी ही आपका जो भी मैटर है वो समझाएगी आपको और उसे ठीक भी करेगी। इसमें ओला का कोई भी इंटरफेयर नहीं रहेगा, ओला ने सीधे अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। अगर आपके स्कूटर में कोई भी तोड़ फोड़ नहीं हुई है, टूट फूट नहीं हुई है, ओला स्कूटर आपका बिल्कुल ठीक ठाक है और आप उसे सर्विस सेंटर पे लेके जाते हो, तब कहीं जाके ओला स्कूटर की पूरी जिम्मेदारी रहेगी। ओला स्कूटर अपना पूरा जिम्मेदारी लेके आपके स्कूटर को ठीक करेगा। फ्रेंड्स एक चीज़ से आपको और बचना है, जैसे कि आपने ओला स्कूटर कोई सा भी बाय कर लिया, चाहे प्रीमियम हुआ चाहे बजट फ्रेंडली हुआ, कोई सा स्कूटर आप ओला का ले रहे हैं, जैसे कि आपने उसमें मॉडिफिकेशन के लिए कोई लाइट वगैरह अलग से लगा ली, आपने कोई वायर कट किए बैटरी की या फिर कहीं से भी आपने कनेक्टेड कर ली अपनी लाइट्स को, तो ओला वारंटी ख़त्म कर देगा, ओला की वारंटी ख़त्म हो जाएगी, आपको वारंटी क्लेम नहीं कर मिलेगी। इसलिए आपको अपने ओला स्कूटर के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करना है। स्टिकर्स वगैरह लगा लीजिए, तो PPF स्टिकर्स वगैरह में कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट मत लगाइए। अगर आप इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लगाते हैं तो उसके लिए अलग से बैटरी आप फिट करिए, ओला की बैटरी से या फिर ओला के कोई भी वायर से छेड़छाड़ मत कीजिए जिससे आपकी वारंटी ख़त्म कर दी जाए। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है। आप स्टिकर्स वगैरह लगा लीजिए, मॉडिफिकेशन करा लीजिए ऊपर से, वो चल जाएगा, लेकिन आपने अगर वायर के साथ या फिर कोई भी बैटरी के साथ छेड़खानी की तो बैटरी की वारंटी ओला की वारंटी ख़त्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको एक बात और बता दूँ, ओला S1X के जो तीनों वेरियंट हैं या फिर जो भी नए स्कूटर ओला के आ रहे हैं उनमें आपको देखने को मिल रही है 8 साल की बैटरी की वारंटी, 3 साल की मोटर की, चार्जर की और मीटर की वारंटी। तो बैटरी की वारंटी आपको 8 साल की मिल रही है और दूसरी आपको मिल रही है 80,000 किलोमीटर, मतलब 80,000 किलोमीटर या फिर 8 साल जो भी पहले हो जाए आपको इतनी वारंटी ओला की मिलेगी। तो फ्रेंड्स उसके साथ ही अगर आप वारंटी बढ़ा रहे हो तो आपको 6,000-7,000 रुपये दे के लगभग 1,00,000 किलोमीटर तक, मतलब 20,000 किलोमीटर आपकी वारंटी और बढ़ा दी जाएगी, आपके 6,000-7,000 रुपये ख़त्म होंगे। वहीं आपके 12,000-13,000 रुपये ख़त्म होंगे, आपकी जो वारंटी है वो 1,25,000 किलोमीटर तक कर दी जाएगी। तो बैटरी की भी वारंटी आप तभी क्लेम कर सकते हैं जब आपने सही तरीके से ओला स्कूटर अपना यूज किया है, आप सही तरीके से लेके जाते हैं, सही तरीके से चलाते हैं, आपने कोई भी छेड़खानी नहीं की, कोई भी स्टंट नहीं मारे हैं, आप एक साथ स्कूटर का रेस नहीं खींचते हैं, एक साथ छोड़ते नहीं हैं, एक साथ ब्रेक नहीं मारते हैं, स्टंट वगैरह नहीं करते हैं, ऑफ रोडिंग नहीं करते हैं, मतलब आपने सही तरीके से अगर ओला स्कूटर चलाया है तो आपके ओला की जो भी वारंटीज़ हैं वो सारी की सारी क्लेम होंगी। लेकिन अगर आपने सही तरीके से ओला स्कूटर नहीं यूज किया है, जैसे कि आपने ऑफ रोडिंग की है, स्टंट्स मारे हैं ओला से, आपने बहुत ज़्यादा बैटरी को दिक्कत दी है, एक इलेक्ट्रिक स्कूटर आपका तभी साथ देता है जब आप उसका साथ देते हैं। जैसे कि आप अपने फ़ोन को ही मान लीजिए, आप अपने फ़ोन को कितनी सेफ्टी से चलाते हैं आप लोग कमेंट करके बताइए, जितनी सेफ्टी से आप अपने फ़ोन को चलाते हुए सेफ्टी से रखते हैं, जब भी सो के उठते हैं अपने फ़ोन को सबसे पहले देखते हैं, सोने से पहले आप फ़ोन देखते हैं, तो वही सेफ्टी आपको एक इलेक्ट्रिक चीज़ को देनी पड़ेगी। ये कोई पेट्रोल स्कूटर नहीं है, इसमें कोई भी इंजन नहीं है, इसलिए इसमें जो सेंसर्स हैं, बैटरी है, मोटर है, उसका आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए आपका स्कूटर आपका तभी साथ देगा जब आप उसका साथ देंगे। तो आपको अपने स्कूटर को वो साथ देना पड़ेगा, आपको देखिए बहुत अच्छे से सही तरीके से चलाना पड़ेगा। अगर आपको माइलेज भी चाहिए स्कूटर से तो आपको सही तरीके से नॉर्मल मोड, इको मोड पे ही चलाना है, स्पोर्ट मोड पे अगर चला रहे हैं तो उसका माइलेज कम हो जाएगा, बैटरी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है इस चीज़ से। जो भी आप अगर स्कूटर तेज़ चलाते हैं तो बैटरी पे थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत जल्दी ड्रेन होती है, तो उससे क्या होता है आपको बार बार चार्ज करनी पड़ेगी, जब बार बार चार्ज करेंगे तो बैटरी की लाइफ थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाती है, तो इस चीज़ का ध्यान आपको रख के चलना है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका ओला आपको दिक्कत दे रहा है, कोई भी इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आपके नियर बाई सर्विस सेंटर जो है आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप उनसे सर्विस ले सकते हैं, ओला की सर्विसेज फ्री हैं, जो भी पार्ट्स पड़ते हैं उसके पैसे जाते हैं।
जैसे कि ओला में कुछ चीज़ें हैं जो मुझे और ठीक नहीं लगी हैं, जैसे कि चार्जिंग सर्किट है उसे उसका ढक्कन कोई भी खोल सकता है दबा के, तो उसमें लॉक वगैरह होना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे पानी भी जा सकता है। और ओला की वारंटी कुछ ही टाइम के लिए है, जैसे चार्जिंग सर्किट और जो हेडलाइट वगैरह हो गई उनकी वारंटी कुछ टाइम के लिए रहती है, हमेशा के लिए नहीं रहती है। अगर ख़राब हो जाते हैं तो उनके आपको पैसे देने पड़ेंगे या फिर अलग से उसकी कैप वगैरह आपको बाय करनी पड़ सकती है। तो कुछ चीज़ें तो आपको देखिए ओला की अलग से लगानी पड़ेंगी। बाकी देखिए कौन कौन लेने वाला है या ले चुका है, किस किस के साथ में कौन से इश्यूज़ आ रहे हैं या फिर कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप मुझे कॉमेंट में बता देना ताकि और लोगों को भी पता लग पाए और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए भी मैं ये सारी चीज़ें कवर कर पाऊँ कि किसके साथ कौन से इश्यूज़ आ रहे हैं या फिर कौन से इश्यूज़ आपके साथ कब आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके साथ कितने इश्यूज़ आ चुके हैं, कितने दिन हो चुके हैं लिए हुए, किनका ठीक चल रहा है किनका ठीक नहीं चल रहा है, वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी होपफुली कि वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।